सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बच्चों के 5 और सुबह के दर्शन हम करवाने वाले हैं आपको श्री मध्यमेश्वर जी मंदिर के। अभी मंदिर बंद है, 7 बजे आरती होगी। फिलहाल हम जा रहे हैं बुद्ध महेश्वर और वहाँ जाके देखेंगे सनराइज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, निकलते हैं। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 4:30 और निकल चुके हैं हम बुद्ध महेश्वर के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम देखें सनराइज और वहाँ का जो व्यू है वो कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। तो मैं तो हो गया रेडी और निकल चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है। सिर्फ टॉर्च की मदद से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। और रात को नींद तो ठीक ठाक आई, लेकिन हाँ क्या करें, बाहर आके आपको जितनी नींद मिले उससे ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। पानी का स्रोत है, यहाँ से पुल है छोटा सा, निकलते हैं। थोड़ी लाइट मारियो, चलो। तो गाइस हमें उस पहाड़ी पे जाना है। काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं और मैं भी पहुंच जाऊंगा हार्डली 15-20 मिनट के अंदर। तो जाके सनराइज देखते हैं, चलिए। तो गाइस इतनी ऊंचाई पे आके इतने सुंदर दृश्य आपको मिलेंगे, आप एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन जब देखते हैं तो फिर मज़ा ही अलग आता है। ब्यूटीफुल। तो गाइस अब बस सनराइज होने में कुछ वक्त ही बचा है, तो आप नज़ारा देख सकते हैं। अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये चोखंबा पीक है, बहुत खूबसूरत है। चलो सनराइज देखते हैं। किरने देख के तो ये आनंद आनंद ही आनंद है, बहुत खूबसूरत। तो गाइस नीचे है आपका मध्यमेश्वर मंदिर। मैं काफ़ी हाइट पे हूँ, आई गेस मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन नीचे मंदिर है और ये बोगियाल देखिए खूबसूरत। बाकी चलते हैं नीचे, मंदिर के दर्शन भी करने हैं, भगवान शिव के मंदिर के दर्शन करने हैं, करते हैं और फिर आगे नीचे जाना भी है। चलिए जय भोलेनाथ। गाइस सपना हो चुका है बूढ़ा मध्यमेश्वर, बहुत बढ़िया दर्शन हुए थे ऊपर, सनराइज देखा, बहुत सारी वीडियोस बनाई, मज़ा आ गया। और दर्शन करते हैं मंदिर के, मध्यमेश्वर मंदिर के, और आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर कैसा दिखता है आपको बिल्कुल डे लाइट के अंदर। आइए
तो भाई अभी हम मध्यमेश्वर में हैं, तो वहीं पे ही हमने होम स्टे ले रखा है और भैया प्लांटे आ चुके हैं और मैगी और भाई चूल्हे पे बन रहा सब कुछ। भाई लोग हमें नैनीताल से हैं भाई, हेलो कर दो भाई। बड़े मजा आया इन सब का, बहुत बहुत अच्छा लगा। चारों ट्रैक तो बहुत बढ़िया है और तगड़ा भी है, लोग और बढ़िया बढ़िया लोग मेरे, मतलब आपको हार्ड वर्क लगेगा उतना मजा भी आएगा। ये बात है, पूरी वसूली है, वसूली भाई, जितना इनपुट है उतना आउटपुट है। चलो भाई आप खाते हैं फिर निकलते हैं यहां से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस एंड करते हैं इस ट्रैक को और चलते हैं वापस रांची। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो गाइस मैं अब वापस आ रहा हूँ मध्यमेश्वर मंदिर से, वापस रांची जा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये वाटरफॉल दिखाया था, उसकी स्पीड देखिए, उसकी उसका आवाज़ सुनेगा कि वो कितना शांत था। और आप देखिए कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है और रात काफ़ी हो चुकी है और हमें पहुँच रहे हैं रांची। तो चलिए चलते हैं, और बारिश कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है पहाड़ों के अंदर, इसलिए इसका वाटरफॉल का फ्लो बहुत तेज़ हो चुका है। जय भोलेनाथ। तो गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है श्री मध्यमेश्वर ट्रैक, ये यात्रा कह सकते हैं आपको, यात्रा ही कहना चाहिए, ट्रैक नहीं कहना चाहिए। और आप माहौल देखिए, कुछ नहीं देखा, इट्स टोटली डार्क। 7:30 बज रहे हैं इस वक्त और अभी हमें 1.5 किलोमीटर आगे और जाना है अपनी बाइक राइड करके रांची विलेज। मज़ा आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।